और आज का जो अपना टारगेट है वो है 40 क्वेश्चन अटेंड करने का। 40 क्वेश्चन हमको अटेंड करने हैं किसके, हिस्ट्री के। रेगुलर आप लोगों को पता है कि 12 बजे आप लोगों का क्लास जो है किसका चलता है, हिंदी का, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन आप लोगों से कहता है, लॉर्ड वेलिजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था। तो उस मराठा सरदार का नाम बताना है जिसने लॉर्ड वेलिजली की सहायक संधि को स्वीकार किया था। तो इसमें जो आप लोगों का लॉर्ड वेलिजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला जो मराठा साम्राज्य आप लोगों का था वो था पेशवा बाजीराव द्वितीय। तो पेशवा बाजीराव द्वितीय आप लोगों का इसमें राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, निम्नलिखित में से किस मराठा सरदार ने अंग्रेजों की सहायक संधि को सबसे बाद में स्वीकार किया। तो कौन सा मराठा सम्राट जो है सरदार था जिसने उसकी संधि को सबसे लास्ट में स्वीकार किया। तो इसमें जो आप लोगों का राइट आंसर होगा वो होलकर राइट आंसर होगा। अंग्रेजों की सहायक संधि को सबसे बाद में होलकर मराठा सरदार ने सबसे बाद में स्वीकार किया था। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था। ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या टारगेट था कि वो जो है राजपूतों से सहायक संधि करना चाहते थे। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों का ये, इसका राइट आंसर क्या होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों के साथ सहायक संधि का मुख्य उद्देश्य, तो वो था आप लोगों का कि अंग्रेजों की प्रभु सत्ता स्थापित करना। क्योंकि राजपूत ऐसे थे कि वो हारने को तैयार थे नहीं, हरा उनको पाते नहीं थे, मतलब बहुत सारी परेशानियां थी, इसीलिए वो संधि करने के लिए तैयार हो गए थे ना। अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, निम्नलिखित में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। तो किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी, उनका नाम बताइए। देखो तो सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी तो होलकर राज्य, इंदौर के होलकर राज्य ने स्वीकार नहीं की थी, इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है, लेकिन क्लियर आप लोगों को यही करके चलना है कि उन्होंने नहीं की थी तो नहीं की थी ना। जो भी लोग नए हैं वो कॉन्टैक्ट नंबर डाल दें। अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय विदेशी शासक कौन से थे। तो प्रथम भारतीय विदेशी शासक कौन से थे ये आप लोगों को बताना है, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जाता है, ये क्वेश्चन रिपीटेड नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जाते हैं, सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक जो आप लोगों के थे वो थे हैदराबाद के निजाम। इन्होंने सबसे पहले स्वीकार की थी, ठीक है। सबसे बाद में किसने की थी, होलकर राज्य ने, ठीक है। अगला आप लोगों को, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलयन हुआ था। तो ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलयन किस वर्ष हुआ था। इस क्वेश्चन में डाउट आ रहा है सब लोगों को कि होलकर राज्य ने वैसे तो स्वीकार नहीं की थी, देखो इससे सबसे पहले क्वेश्चन यही था कि किसने सबसे बाद में स्वीकार किया था, तो होलकर राज्य ने सबसे बाद में स्वीकार किया था। फिर ये क्वेश्चन बन रहा है कि किसने नहीं किया था, तो होलकर राज्य में फिर इंदौर के होलकर राज्य ने फिर भी स्वीकार इसको नहीं किया था, ओके। इसमें जो आप लोगों का राइट आंसर होगा ये वाला पूछा था कि अवध का विलयन हुआ था, तो अवध का विलयन जो आप लोगों का 1860, इसका जो राइट आंसर होगा वो 1856 में आप लोगों का हुआ था। डी जो है इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा, ओके। अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, निम्नलिखित में से डलहौजी की सबसे गंभीर राजनीतिक भूल कौन सी थी। सबसे गंभीर राजनीतिक भूल कौन सी थी बताइए। देखो सबसे गंभीर राजनीतिक भूल यही थी कि अवध का अधिग्रहण करना। तो अवध का अधिग्रहण अभी पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, उसकी सबसे बड़ी ग्रहण, सबसे बड़ी भूल ऐसा बोलते हैं डलहौजी की, कि अवध का उसे जो है विलय नहीं करना चाहिए था, यही उसकी जीवन की सबसे बड़ी भूल थी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, निम्नलिखित राजपूत राज्यों में से कौन सर्वप्रथम संधि के बाद ब्रिटिश राजनीतिक प्रभाव में आया। तो संधि के बाद ब्रिटिश राजनीतिक प्रभाव में कौन आया, मतलब राजनीति में किसने एंट्री ली जो ब्रिटिश लोगों की थी उनमें से, बताइए। देखो सर्वप्रथम प्रभाव में जो राजनीतिक प्रभाव में आया था वो जोधपुर आप लोगों का था, ठीक है, हाँ, ओके। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, निम्नलिखित में से अंग्रेजों की सहायक संधि के मित्र थे। तो सहायक संधि मित्र का मतलब उन्होंने अपने स्वयं से ही एक्सेप्टेशन इसको लिया था। तो इसमें अंग्रेजों की सहायक संधि में मित्र जो आप लोगों के थे इनमें से कोई भी नहीं थी, क्योंकि सहायक संधि को कोई भी नहीं स्वीकार करना चाहता था, ठीक है। आप लोगों ने ये मीर कासिम इसीलिए लगाया, लेकिन मीर कासिम भी नहीं था, ठीक है, इसीलिए लगाया कि शायद जो है मुस्लिम है तो उनके पक्ष में वो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगला क्वेश्चन, सहायक संधियों के द्वारा अंग्रेजों ने भारतीय नरेशों की किस चीज को नियंत्रित किया, बताइए किस चीज को नियंत्रित किया।
सहायक संधियों के द्वारा अंग्रेजों ने भारतीय नरेशों की किस चीज को नियंत्रित किया? तो उन्होंने विदेशी राष्ट्रों से संबंध, मतलब भारतीयों के विदेशी राष्ट्रों से संबंध को उन्होंने फाइनली कॉन्ट्रैक्ट किया, और इस बात को लेकर के उन्होंने काफी फायदा भी उठाया अपना भारतीयों का। अगला क्वेश्चन जो आप लोगों का क्या है कि 1856 में अवध ब्रिटिश साम्राज्य में समामिलित नहीं किया गया होता यदि, भाई क्यों सम्मिलित नहीं किया गया, समामिलित किया, सम्मिलित होना था वो, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद आप लोग इसका आंसर देना। तो इसमें आप लोगों के, तो 1856 में अवध ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया गया होता यदि ये वाली कंडीशन फॉलो नहीं होती कि अवध के नवाब ने ब्रिटिश द्वारा सुझाए गए सुधारों को लागू करने से इनकार नहीं किया होता, इनकार कर दिया तो इसके चलते ऐसा ऐसा हो गया। ओके, अगला क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, डलहौजी के काल में ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय किस आधार पर किया गया? देखो किस आधार पर किया, तो इसमें जो आप लोगों को पता है कि 72 वाले में कुशासन का उस पर आरोप लगा दिया गया था जो है अवध पर, अवध के नवाब पर, तो इसके चलते जो है उसको राज्य में विलय कर लिया। ओके, ये रहा क्वेश्चन, ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित में से किस प्रांत के किस शासक को हटा दिया? तो ये तो आप लोगों का रिपीटेड एक तरीके से कह सकते हैं सेम हिंट पिछले वाले का ही है, फिर आप लोग इसको दीजिए। तो इसमें अवध के नवाब पर लगाया था कुशासन का आरोप, अभी अभी मैंने बताया था। अंग्रेजों ने अवध पर कब और क्यों अधिकार किया था ये आपको पता है, लेकिन फिर भी इसका एक बार रिपीटेड है बता दीजिए। तो अवध पर कब और क्यों अधिकार ये लगाया गया था, कुशासन का आरोप मैंने आपको बता दिया ये। अगला क्वेश्चन, अवध के नवाब वाजिद अली शाह को ईस्ट इंडिया कंपनी ने गद्दी से उतार दिया, किस सन में उतार दिया ये बताइए। नवाब, इसमें जो आप लोगों का राइट आंसर होगा वो 1856 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने गद्दी से उतार दिया था। ओके, अगला क्वेश्चन आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा एक सहायक संधि के बारे में सही नहीं है? तो कौन सा, सबडियर अलायंस की बात कर रहे हैं भाई, कौन सा सही नहीं है? तो ये तो आपको तभी पता चलेगा सारे आप पढ़ लोगे, तो पहले पढ़ लीजिए। सुनी को आ गया, देखो इसमें जो आप लोगों का सही नहीं है वो ये वाला है कि यह है शमनुसंगी राज्य के लिए गोद लिए गए उत्तराधिकारी को मान्यता नहीं देता था। तो ये क्या है कि सभी सहायक संधि जो आप लोगों की थी वो सभी को गोद के लिए गोद लेने के लिए उत्तराधिकारी की मान्यता नहीं देता था। मीन्स जैसे कि झांसी वाला सिस्टम था, लेकिन उन्होंने मान्यता नहीं दी थी, लेकिन युद्ध तो लड़ा था ना, है ना। इसी तरीके से आप लोगों को यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि सहायक संधि की सबसे सही नहीं है, तो ये वाला सही नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, वो हड़प नीति थी जिसमें गोद लेने का चलन नहीं था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का सही क्रम में लिखना है, कौन सी कब हुई, तो ये तो आप लोग आसानी से बता सकते हो। देखिए इसमें जो आप लोगों का राइट आंसर होगा वो आप लोगों का वी वाला जो है राइट आंसर होगा। देखो आप लोगों का सही क्रम में आप लोगों का वी वाला राइट आंसर होगा, मीन्स पहले स्थायी बंदोबस्त किया गया, उसके बाद सहायक संधि, उसके बाद आप लोगों का हड़पने की नीति, और फिर बंगाल का विभाजन लास्ट 1905 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस तरीके के क्वेश्चन जो विचार करने वाले होते हैं वो यूपीएससी में काफी ज्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं, मतलब हद हो जाती है इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी में इसके, तो इसको पढ़ लीजिए पॉज करके, उसके बाद बताना। देखो कथनों पर विचार करना है तो विचार करने लायक कुछ भी नहीं था, दोनों की दोनों ही बातें सही है कि अवध के सिराजुद्दौला ने जो है सिराजुद्दौला के अधीन अंग्रेजों के सहायक संधि जो है स्वीकार को किया था, बिल्कुल किया था। एंड आप लोगों का है, और आप लोगों का अगली जो बात दी गई थी कि हैदराबाद के निजाम लॉर्ड विलेज अली के काल में अंग्रेजों ने सहायक संधि की थी, तो दोनों ही बातें आप लोगों की सही है, और सी वाला इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, गोद प्रथा निषेध का सिद्धांत किस पर लागू होता है? जो निषेध कर दिया गया था सिर्फ हिंदू राज्यों पर किया गया था, इसका मैं छोटा सा कारण बताना चाहूंगा। उस समय हालांकि कोई मुस्लिम हो तो अपनी जाति प्रथा पर स्वयं से ना ले, मैं अपना सब्जेक्ट क्लियर कर रहा हूँ आप लोगों को, है ना। तो ये इसीलिए कि उस समय अंग्रेज जो है मुस्लिम समुदाय को थोड़ा सा जो है प्रभुत्ता या कह सकते हैं प्राथमिकता दे रहे थे, तो जिसके चलते उन्होंने इस बात पर रोक लगा दी कि जो है गोद नहीं ले सकते, जिससे क्या है वंश बढ़ना रुक जाएगा और कौम भी रुक जाएगी, है ना। तो इस समय इस कारण से ये किया गया था। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट
जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ, तो बताइए भाई कौन सा ब्रिटिश रेजिडेंट जो है अवध के साम्राज्य में सम्मिलित हुआ। इसमें जो आप लोगों का राइट आंसर होगा कि अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ, तो कौन सा अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था उस समय, तो उस समय जो आप लोगों का था वो जेम्स आउट्रम उस समय ब्रिटिश रेजिडेंट था। ठीक है, इसके साथ बी आप लोगों का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, निम्न में से किसने रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो ये आप लोगों का रेवेन्यू ऑफ जुडिशियल रिफॉर्म्स ब्रिटिश पीरियड स्टार्ट हो चुका है, एक नया टॉपिक कहते हैं, इसी तरीके से अलग अलग चीज़ें स्टार्ट होती है ना, तो इसीलिए ये नया टॉपिक है आप लोगों का इस क्वेश्चन से, है ना। तो किसने रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभ की? तो थॉमस मुनरो इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबद्ध थे? तो बताइए भाई कौन संबद्ध थे, आप लोगों को ये बताना है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना। तो ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के लिए किए जाने वाले संबद्ध जो आप लोगों के कौन कौन थे, तो इसमें आप लोगों का सी जो है राइट आंसर होगा, कि अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो। देखो क्लियर आप लोगों को दिए गए हैं, तो अलेक्जेंडर थॉमस मुनरो आप लोगों का इसमें राइट आंसर होगा। मीन्स दोनों के दोनों ही इससे संबद्ध थे, मतलब संबंधित थे। चिर स्थायी बंदोबस्त के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बताइए चिर स्थायी बंदोबस्त आप लोगों ने पढ़ा होगा शायद, तो कौन सा कथन सही है उसके बारे में ये बताइए। इसके बारे में जो आप लोगों का राइट आंसर होगा वो चिरस्थायी बंदोबस्त, भूमि पर जो है वंशागत अधिकार वाले भूस्वामियों का एक नया वर्ग बनाया है ना। तो ए एंड सी आप लोगों का नहीं होगा, इसमें सिर्फ आप लोगों का जो है ये वाला राइट आंसर होगा। हाँ ए एंड सी इस तरीके से बोल सकते हो, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप लोग। स्पीड अप सर, हाँ थोड़ा सा स्पीड बढ़ाता हूँ, इसमें आप लोगों का ए राइट आंसर होगा। वैसे ए सी भी हो सकता है क्योंकि दोनों में दो दो लिखा हुआ है। इसकी जो स्थापना वारेन हेस्टिंग के द्वारा की गई थी चिरस्थायी बंदोबस्त की, ठीक है, 22 मार्च 1793 से इसको लागू किया था, 1793, ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, 1793 से ये बंगाल में सबसे पहले लागू की गई थी। ओके, भूमि की स्थिति सुधारने के लिए इसको शुरुआत किया गया था। अगला क्वेश्चन, राज्य अपहरण नीति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो राज्य अपहरण नीति के बारे में भाई कौन सा सही है बताइए, भाई कौन सा सही है दिखा दिया जाएगा, तो कौन सा सही है? तो यही वाला सही है कि इसने भारतीय राज्य का जो है समामेलन अनिवार्य बना दिया, अगर उत्तराधिकारी को गोद लिया जाना ब्रिटिश अधिकारी द्वारा अनुमोदित ना हुआ तो। ठीक है, तो मतलब उसमें समामेलित जो है कर लिया जाएगा, राज्य अपना नीति या इसको हड़प नीति भी कहते थे, ठीक है, डलहौजी के द्वारा चलाई गई थी, जिसके चलते जो है झांसी वाला केस भी इसी के अंतर्गत आता है, हड़प नीति के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था, तो कौन से हिस्से में प्रचलित था ये आपको बताना है, नहीं इसको खुद से देखना पड़ेगा फिलहाल, लेकिन इसका दक्षिण भारत अभी आप लोगों को राइट आंसर लगाना है, बिकॉज ऑफ ये ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, ईस्ट इंडिया कंपनी के मद्रास एवं बम्बई में निम्नलिखित में से किस भूमि बंदोबस्त व्यवस्था का प्रचलन किया? हाँ यहाँ से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, मद्रास एवं बम्बई में तो लगभग वही आंसर होगा, तो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये। देखो इनमें से जो आप लोगों का राइट आंसर होगा रैयतवाड़ी ही होगा, क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन का इसका बिल्कुल तहलुका स्पष्ट है कि रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह कहाँ प्रचलित था, तो दक्षिण भारत में, और दक्षिण भारत आपको पता है कि ये जो है आपने भारत के इस वाले हिस्से में पड़ता है, दक्षिण भारत इसको कहते हैं ना, मेरे बात को इस वाले हिस्से को, है ना, तो ये आप लोगों का दक्षिण भारत राइट आंसर है, तो इसमें आप लोगों का रैयतवाड़ी भी राइट आंसर होना चाहिए, थोड़ा सा क्वेश्चन को लिंक करना चाहिए, है ना। मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त के साथ कौन जुड़ा था? मद्रास के रैयतवाड़ी व्यवस्था के साथ कौन जुड़ा हुआ था ये बताइए। तो मुनरो हेक्टर मुनरो उनका पूरा मुनरो उनका पूरा नाम था, ठीक है, तो इसमें आप लोगों का ए जो है राइट आंसर होगा, है ना। लाइट चली गई है, ब्लैक एंड व्हाइट में अच्छा दिख रहा हूँ ना। अगला क्वेश्चन जो आप लोगों का क्या है, भारत में अंग्रेजों के राजस्व प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन रैयतवाड़ी बंदोबस्त तथा इसके कार्यान्वयन से संबद्ध होने के लिए जाना जाता है? तो बताइए भाई कौन जाना जाता है, उसका नाम आप लोगों को बताना है। भारत में अंग्रेजों के राजस्व प्रशासन के संदर्भ में रैयतवाड़ी बंदोबस्त तथा इसके कार्यान्वयन संबद्ध होने के लिए थॉमस मुनरो को जाना जाता है, 10 बार हम पढ़ चुके हैं अभी, और मद्रास से इसकी शुरुआत की गई थी। ओके, अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, मालवाड़ी कहाँ लागू की गई थी? तो महलवाड़ी है, मालवाड़ी नहीं है, तो कहाँ से लागू की गई थी ये आपको बताना, बताइए कहाँ से लागू। तो इसमें जो आप लोगों का है उत्तर प्रदेश और राजस्थान में लागू किया गया था, सी वाला जो आप लोगों का इसमें राइट आंसर होगा, तभी से वो महलवाड़ी मतलब महलों में रहने वाली,
ब्रिटिश बंगाल में कौन सी राजस्व व्यवस्था स्थापित की गई? तो ब्रिटिश बंगाल में कौन सी राजस्व व्यवस्था स्थापित की गई ये आप लोगों को बताना है, तो बताइए भाई कौन सी स्थापित की गई थी। कर दिया, बिल्कुल आप लोग सही आंसर दिए सभी लोग, महलवाड़ी। मीन्स आप लोगों का जो भारत है उसका इस वाले हिस्से में महलवाड़ी ही लागू किया गया था, है ना, इस वाले हिस्से में जो आप लोगों का ऐसे ऐसे चला जाता है ना, ये और यहाँ से जो आप लोगों का चला जाता है, तो ये राजस्थान आप लोगों का पड़ता है, ये पंजाब पड़ता है, इधर इधर, है ना, तो इस वाले इलाके में जो है रैतवाड़ी व्यवस्था, सॉरी महलवाड़ी लागू की गई थी। ओके, महलवाड़ी प्रथा किसके साथ राजस्व का बंदोबस्त हुआ था? तो किसके साथ राजस्व का बंदोबस्त इसमें शुरुआत की गई थी बताइए। तो महलवाड़ी में क्या है कि ग्राम समुदाय के साथ जो समग्र रूप से राजस्व का बंदोबस्त किया गया था, ऐसा नहीं है कि पर्सनली जमींदारों कृषकों के साथ, डायरेक्टली पूरा ग्राम समुदाय के साथ इसमें जो है सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, ब्रिटिश द्वारा निम्नलिखित में से रैतवाड़ी प्रथा लागू की गई, तो कहाँ रैतवाड़ी कहाँ लागू की गई, कौन सी उस समय मतलब कौन सी रेजिडेंसी वो पड़ती थी उस समय, है ना, तो बताइए कौन सा इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा। तो इसमें जो आप लोगों का राइट आंसर होगा वो बम्बई एवं मद्रास प्रेसिडेंसी, जो आप लोगों का राइट आंसर होगा डी वाला। अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, और आज का लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, कि निम्नलिखित में से कौन सा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लाई गई भू राजस्व नीति के संबंध रखता है? तो कौन सा जो है राजस्व नीति भू राजस्व नीति से संबंधित रखता है, बताइए कौन सा रखता है। इसमें जो आप लोगों का राइट आंसर होगा भू राजस्व नीति से संबंध रखता है, तो भू राजस्व नीति से महलवाड़ी संबंधित रखता है, ये राजस्थानी इलाकों में आप लोगों का लागू हुआ। आज की आपकी क्लास जो है कंप्लीट होती है, आई होप आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक जरूर करेंगे क्लास खत्म होने के बाद, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करेंगे। ओके चलिए, तो इस मेरा यूट्यूब चैनल जो MCG Academy, इसको जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। ओके।